हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत व्यस्त रहे होगे, बहुत मस्त रहे होगे और आप स्वस्थ हो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी जोन में। आज का वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं, आज का जो वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि पिछला क्लास हमने देखा था कि 45 डिग्री का जो कोण बनता है किसी भी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वहाँ 45 डिग्री के एंगल बनने से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इनका वैल्यूज़ कैसे निकलता है। हम ऑलरेडी पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि अलग अलग एंगल का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि साइन ज़ीरो का अलग वैल्यू होता है, कॉस ज़ीरो का अलग वैल्यू होता है, टेन ज़ीरो का अलग वैल्यू होता है, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, हर एक एंगल के लिए जो फंक्शंस हैं उनका वैल्यू अलग अलग होता है। ये हमने पिछला वीडियो में देख लिया है। और एक चीज़ हमने पिछला वीडियो में और देखा है, वो यह है कि प्रूफ सिद्ध किए थे हमने कि 45 डिग्री के कोण बनने से अलग अलग जो मान निकलते हैं, अलग अलग जो वैल्यूज़ निकलते हैं, वो कैसे आखिर आते हैं हमारे पास। तो आज हमारा जो वीडियो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण का माप ज्ञात करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने पहले ही बता दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल। राइट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है? ए बी सी एक ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये त्रिभुज एबीसी, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहाँ पर ए बी, ए सी और बी सी तीनों आपस में बराबर हैं। और साथ साथ हमको पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उनका मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। यानी कि बी अगर 60 है, सी भी 60 होगा, ए पूरा 60 होगा। ये बात तब समझ सकते हो बेहतर, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब हम एक रचना करने वाले हैं, एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कि AD जो है, ये AD आपको दिख रहा है, ये AD परपेंडिकुलर BC हम ड्रॉ करने वाले हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, लंब खींचने वाले हैं। AD लंब BC, यानी कि AD परपेंडिकुलर BC हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये एक कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है जिसको हम लोग खुद से बना रहे हैं। ठीक है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? हम इस रचना को, इस कंस्ट्रक्शन को करके ही इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जिसके लिए हमको ये लॉजिक लगाना पड़ रहा है। एंड द मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ सोच लगानी पड़ती है हमें, जिसके वजह बदौलत क्या होता है कि मैथ्स सॉल्व होते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। आगे चीज हम देखते हैं कि ABD त्रिभुज ABD, ABD और ACD दोनों आपस में सर्वांगसम है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। देखिए, ये सर्वांगसम का निशानी है। सर्वांगसम को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेंट, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट किस टॉपिक पे डिपेंड होकर के, ये किस रूल के ऊपर डिपेंड होकर के ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, बताइए। यही हमको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, कि आखिर किस तरीके से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कैसे करके आखिर ये दोनों जो त्रिभुज देख रहे हैं वो कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ। ये दो त्रिभुज ABD और ACD, ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होने के पीछे बहुत अच्छा सा एक रीज़न है। देख लीजिए, AB बराबर है AC का, AB बराबर है AC का। और क्या हो सकता है बच्चा, बताइए?
इसके अलावा हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि ए डी बी और ए डी सी दोनों राइट एंगल होगा, समकोण त्रिभुज के कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि दोनों एंगल बराबर, और ये ए डी बराबर ए डी कॉमन साइड। देन क्या कौन सा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लगेगा, यहाँ लगेगा राइट एंगल हाइपोटेनियम साइड आर एच एस। ये देखिए ये राइट एंगल है, ये दोनों, इसका अपोजिट साइड होगा हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये है एक नॉर्मल साइड, तो इसलिए आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, इसलिए लिखा है यहाँ पर वाई। क्यों हुआ, तो यहाँ रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ रीजन होगा आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियम साइड। और अगर ये एक दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो हम लोगों को एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या है, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, सी पी सी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसी तरीके से अगर ये दोनों पार्ट यानी कि बी डी बराबर सी डी मिल रहा है, उसी के साथ साथ बी ए डी और सी ए डी भी आपस में बराबर मिल रहा है, वही सेम रीजन होगा हम लोग यहाँ पर सी पी सी टी से, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये पूरा अगर 60 है तो ये 30 और ये 30 होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पर देखिए 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब हमारा जो काम था वो बहुत हद तक का ख़त्म हो चुका है, अब हमारा जो अगला काम है वो देख लीजिए क्या होगा। देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट डी विथ बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हम आगे चले जाते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये साइड है, ये तीनों साइड जो हमारा है वो 2a है, उसे हम मान लेते हैं 2a। देखिए यहाँ माना गया है कि मान लिया जाए कि हमारा जो ए बी है वो 2a के बराबर है, ए बी हमारा 2a के बराबर है, ये ए बी, ये ए बी हमारा 2a, यानी ये 2a, ये भी 2a और ये नीचे का पूरा जो होगा ये भी 2a होगा, तो ये पूरा अगर 2a होगा तो आप देख सकते हो ये बी डी और ये सी डी आपस में बराबर है, यानी कि ये a और ये भी a होगा, a प्लस a 2a, तो ये पूरा 2a था, उसको हमने तोड़ दिया दो इक्वल पार्ट में, यानी कि ये a होगा और यह वाला पार्ट भी ए होगा, ठीक है। अब हम चले आते हैं अपने इस समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में। यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस हमको पता है, बेस हमको मालूम है, हाइपोटेनस हम लोगों का 2a है, बेस हम लोगों का a है, लेकिन हाइट जो है यानी कि जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ये हम लोगों को नहीं मालूम, तो हम लोग अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला जो लंबवत एक भुजा है यानी कि परपेंडिकुलर साइड ये हमको मिल जाएगा। उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा बच्चा, उसके लिए फार्मूला लग जाएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर्ड। तो यहां पर देखिए ए बी का वैल्यू हमारे पास 2a है और बी डी का वैल्यू हमारे पास a है, तो 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 में से एक जाएगा तो 3a स्क्वायर होगा हमारा, हमें तो चाहिए ए डी नॉट ए डी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं उस साइड में रूट चढ़ाते हैं, यानी कि ए डी इक्वल टू ए रूट थ्री आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा आपका ए डी का जो वैल्यू है वो आएगा ए रूट थ्री। तो देखिए हमारे पास जितने भी साइड्स के रिक्वायरमेंट था वो सब कुछ आ गया, ये ए बी आ गया, ये ए डी आ गया, ये बी डी भी हमको पता है, बी डी हम लोगों का ए है, ए बी हम लोगों का 2a है और ए डी हमारा रूट थ्री ए है। सब चीज जब प्राप्त हो गया है तो अब हमारी जो काम बचती है वो क्या है, साइन के लिए 30 डिग्री का एंगल का मान निकालना और कॉस के लिए 60 डिग्री का, फिर साइन के लिए 30 डिग्री, कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60, उसके बाद हम लोग उसका उल्टा करते करते सब फंक्शन जितने भी हैं हम उसको निकाल लेंगे। जैसे पहला काम हमारा होगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यानी कि क्या होगा, कौन सा एंगल, साइन 30 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल। इस एंगल के लिए साइन का ट्रिक क्या था, एस ओ एच, तो इस एंगल का अपोजिट ये यानी कि बी डी, हाइपोटेनस ये यानी कि ए बी, तो बी डी डिवाइड बाई ए बी साइन 30 का वैल्यू होगा। देखिए साइन 30 बी डी डिवाइड बाई ए बी, बी डी का वैल्यू ए, ए बी का वैल्यू 2a, तो ए ए कैंसल एंड द आंसर विल बी 1/2,
ठीक है, इस तरह से कॉस के लिए होगा, इस तरह से टेन के लिए भी होगा। और बात करते हैं कॉसेक जो कि साइन का उल्टा, सेक जो कि कॉस का उल्टा, और कॉट जो कि टेन का उल्टा होता है। तो ये निकलने के बाद अब हम चले आते हैं अपना जो अगला टॉपिक है वो है 60 डिग्री के लिए। तो ऑब्वियस ये बात है, हमारा अगर कोण ये है तो SOH ट्रिक के अनुसार इसका अपोजिट साइड ये यानी कि AD, और हाइपोटनस ये यानी कि AB। तो AD बाय AB होना चाहिए साइन 60, AD बाय AB एकदम वही आंसर है हमारा। तो AD का वैल्यू है √3 और AB का वैल्यू है 2A, तो A और A कैंसिल होगा तो √3/2 बैठेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं उनको हम बारी बारी से निकाल सकते हैं इजीली। हमको लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने की संभावना है, आपको जितना सारा टॉपिक था वो हम क्लियर कर दिए इस प्रूफ के द्वारा। अब बचता है 0 और 90 डिग्री का मान के वैल्यू हम लोग, तो 0 और 90 डिग्री उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इसीलिए हम उसका जो प्रूफ है उसको हम नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप 90 डिग्री का कम से कम बता दीजिए या 0 डिग्री का भी बता दीजिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ कि हाँ सर मुझे ये वाला चाहिए। तो हम डेफिनेटली अगला जो हम वीडियो डालने वाले होंगे तो उस वीडियो में डेफिनेटली हम 0 डिग्री और 90 डिग्री, कौन सा 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो है, जो फार्मूला है, जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें हम ज़रूर प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाएंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यूज़ कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था। अब हम सिंपली इस वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होने की ओर पर है। तो मैं अंतिम टाइम पर एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर आप नए हो, और इस वीडियो को इतना शेयर करो अपने दोस्तों के बीच कि ये वीडियो हो जाए वायरल और उन सारे बच्चों को पहुँचे फ़ायदा जो अब तक इस चैप्टर को लेकर के कन्फ्यूज़न में थे या जिनके लिए ये चैप्टर अभी तक हार्ड था। और हमको लगता नहीं है कि इस पोर्शन तक, जितना हम बता चुके हैं अभी तक, इसमें 10th क्लास के विद्यार्थियों को कोई समस्या होने वाली है, हमको लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन देखिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एकदम स्वस्थ रहिए, बिल्कुल। थैंक यू।